जानेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर को लेकर। लेकिन जरा टेलीकॉम वाला शेयर लिख रहा है ये वोडाफोन आइडिया, क्योंकि आज हमने देखा कि ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा, 9.79 रुपए का इसने लो बनाया, वहां से थोड़ी थोड़ी रिकवरी जरूर आ रही है। लेकिन देखिए, एकमात्र सेक्टर यह है टेलीकॉम जिसमें आपको ना अगर कुछ फ्रेश पैसे डिप्लॉय करने हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए। आप उठा के दोनों शेयरों को देख लीजिए, उनके बिजनेस देख लीजिए, उनके कारोबार को देख लीजिए, उनको लेकर खबरों को देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। पिछले एक महीने में करीब करीब 35% वोडाफोन आइडिया का शेयर गिरा है, लेकिन अगर आप भारतीय एयरटेल को देखेंगे तो करीब करीब 17-18% ये शेयर चला है। तो बिल्कुल क्लियर कट यहां पर मामला है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं तेजस आपसे, वोडाफोन आइडिया में क्या मतलब आज जो बॉटम बना वो बन गया या फिर टेंशन भी बाकी है, आप जरा ये बताइए, उसके बाद हम सनी से एक इस पर फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17 के लेवल से एक धारा हमने इसमें गिरावट देखी है, और 10 रुपया जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो और अगर इसकी चार्ट सेटअप देखेंगे तो आरएसआई भी काफी ओवरसोल्ड है, ऑलमोस्ट 20 के करीबन पहुंच गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ रैली जैसी आ सकती है स्टॉक में, जो करीबन स्टॉक को 12 से 12.5 रुपए तक लेके जा सकता है। तो जो भी लॉन्ग में फंसे हुए ऊपरी स्तरों पे, मेरे हिसाब से ये रिलीफ रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक 10 रुपए का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो एक स्टॉक जो है वो वहां पे होल्ड करके एक रिलीफ रैली दे सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। रिलीफ रैली दे सकता है, लेकिन सनी एक आपसे क्रिस्प आंसर चाहेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर। जब मान लीजिए हम सुन रहे हैं कि नहीं बिजनेस खराब है, सेंटिमेंट कमजोर है, एक बस उम्मीद है कि नहीं सरकार चाहती है कि डुओपोली ना रहे इस सेगमेंट में, क्या इस जिद के भरोसे हम वोडाफोन आइडिया को होल्ड करके रखें? मान लीजिए जिनके पास 15 रुपए 16 रुपए के भाव पर अगर इसमें शेयर लिए हुए हैं, क्या वो होल्ड करें कि नहीं, मेरी भरपाई यही शेयर करवाएगा, या फिर पैसे निकाल के हम डिप्लॉय कर दें जहां पर ग्रोथ दिख रही है, और वो शेयर भारतीय एयरटेल? आई थिंक जो बेसिकली वोडाफोन आइडिया का जो प्लान था रिवाइवल का, उसमें एक बहुत अहम मुद्दा था कि जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या EGR जो ड्यू है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ओर से माफ कर दिए जाएंगे, और ये रिवाइवल प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा था। आई थिंक अब जब ये रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो अल्टीमेटली जो कंपनी का जो प्लान रहेगा आगे जाके कि ये जो इसकी जो भरपाई है वो कैसे की जाएगी, एट द सेम टाइम जो डेट मोबिलाइज करना है कंपनी को 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मूवमेंट स्लो होती नजर आई है। तो एट अ करंट जंक्चर मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो बने रहिए, मे बी शायद और थोड़ा डाउनसाइड हमें देखने मिले, बट जो फ्रेश इन्वेस्टर है मैं उन्हें अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा, रादर देन वोडाफोन बेटर है कि आप भारती या रिलायंस पर फोकस कीजिए अगर टेलीकॉम में बेट लेना है।